देखिए चन्नी जी, बहुत क्लियरली उनका रेफरेंस था श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पे और श्री केजरीवाल जी पे, और उनका क्लियर रेफरेंस था कि यहाँ पे राज किसी और का नहीं होगा। उन्होंने कहा पंजाब में बाहर से किसी का राज नहीं होगा, इसमें क्या गलत है? और मोदी जी तो सिर्फ विज्ञापनों पे बहुत अच्छा गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन देश में जी कोई गवर्नेंस नहीं है। आज कोई गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस होती रोज़गार होते, अगर गवर्नेंस होती तो इस तरह की बढ़ती महंगाई नहीं होती, अगर गवर्नेंस होती तो जो रोज़गार पैदा करने वाले PSU हैं वो अपने दोस्तों को ही नहीं बेची जाती। और मोदी जी के टाइम में आप देखें तो गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग आए हैं, करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे, जो कि कांग्रेस के टाइम में ऊपर थे। यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी मेहनत करते हैं, उनके लिए क्या दिया है भाई केजरीवाल जी ने और मोदी जी ने, क्या दिया है? उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया है। आप जाइए, आप मीडिया वाले हैं, जाइए पूछिए। यूपी और बिहार के लोगों को भैया बोला था कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह। देखिए चन्नी जी, बहुत क्लियरली उनका रेफरेंस था श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पे और श्री केजरीवाल जी पे, और उनका क्लियर रेफरेंस था कि यहाँ पे राज किसी और का नहीं होगा। उन्होंने कहा पंजाब में बाहर से किसी का राज नहीं होगा, इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलत नहीं है। मैडम वो बोलते हैं कि दोनों एक ही थाली के जट्टे बट्टे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। प्रधानमंत्री जी ने असलियत तो ये है, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि एक ही थाल के चट्टे बट्टे वो दोनों हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने कहा अपने भाषण में कि दोनों एक ही बिसात पे खेलने वाले हैं, दोनों धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। जनता का विकास कोई नहीं कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, कोई उद्योगपतियों के सामने झुक रहा है और दूसरे केजरीवाल जी इनके सामने झुक जाते हैं। केजरीवाल जी ने तो एक सरकार चलाई नहीं है जी, पूरी सरकार चलाने के लिए कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो हाथों में हो, कोई फाइल तो आप पास कर पाएँ। फाइल इनकी पास नहीं होती बगैर मोदी जी और उनकी सरकार के इजाज़त के। पुलिस इनके अंडर नहीं है तो कौन सी सरकार चला रहे हैं यहाँ के? क्या चलाएंगे? पंजाब जैसे प्रदेश को चलाएंगे? अनुभव ही नहीं है उनको। और मोदी जी तो सिर्फ विज्ञापनों पे बहुत अच्छा गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन देश में जी कोई गवर्नेंस नहीं है। आज कोई गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस होती रोज़गार होते, अगर गवर्नेंस होती तो इस तरह की बढ़ती महंगाई नहीं होती, अगर गवर्नेंस होती तो जो रोज़गार पैदा करने वाले PSU हैं वो अपने दोस्तों को ही नहीं बेची जाती। और यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मध्यम वर्ग के जो दुकानदार हैं, उद्योगपति हैं छोटे छोटे, वो पिस रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए कौन कर रहा है? गवर्नेंस करके दिखाइए ना, तब बात करिए। ये तो आपने अपनी ऑरा बना रखी है, आप मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, विज्ञापन बनते रहते हैं, उन पे तो 2000 करोड़ खर्च रहे हैं ये, लेकिन सच्चाई क्या है उसके बारे में भी तो बताइए ना। बॉर्डर बेल्ट के लिए आप अपना विजन बता दीजिए, क्योंकि BJP अपना विजन बता रही है, हमारी बॉर्डर बेल्ट है जहाँ आप आए। क्या विजन बता रहे हैं? कांग्रेस का विजन जो है वो क्या नहीं, वो क्या विजन बता रहे हैं आपके? वो बोल रहे हैं कि टूरिस्ट हब के तौर पर जो है वो डेवलप किया जाए, वो बोल रहे हैं कि अलग से एक बॉर्डर जो है वो स्कीम्स बनेंगी जिसमें अलग से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बजट में भी हमने बॉर्डर के लिए अलग से रखा है। देखिए ये जो घोषणाएं ये लोग करते हैं ना चुनाव के समय, ये सब करते हैं कागज पे करते हैं, फिर बाद में आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। यहाँ 5 साल बाद आके वही नौटंकी करके उसी चीज़ पर इसी के आधार पर ये लोग आपसे वोट मांगेंगे। इन्होंने कहा था रोज़गार देंगे, कहाँ है भाई जी? आप बताइए, जब मैंने पूछा कहाँ है रोज़गार, किसको मिले रोज़गार, इन्होंने कहा था ना लाखों रोज़गार देंगे, 20 लाख 25 लाख, इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे। अब केजरीवाल जी भी वही कह रहे हैं, अरे दिल्ली में 440 रोज़गार दिए हैं। आप समझ सकते हैं, एक फैक्ट्री में 440, एक छोटा उद्योगपति 440 रोज़गार दे देगा? मुख्यमंत्री की उपलब्धि ये है क्यों 440 रोज़गार दे रहा है? और मोदी जी के टाइम में आप देखें तो गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग आए हैं, करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे, जो कि कांग्रेस के टाइम में ऊपर थे। यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी मेहनत करते हैं, उनके लिए क्या दिया है भाई केजरीवाल जी ने और मोदी जी ने, क्या दिया है? उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया है? आप जाइए, आप मीडिया वाले हैं, जाइए पूछिए, क्या आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है इनकी पॉलिसीज से? नोटबंदी आई, आपका लॉकडाउन आया, आपका वो GST आया, उससे कितने लोगों की कमर टूटी है आप बताइए? उनके लिए कोई राहत आई? नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कोई राहत आई? कुछ नहीं।
वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस अगर चाहती इनका विजन होता तो करतारपुर कॉरिडोर दो चांस मिले थे विभाजन के वक्त, वो आ सकता था। जो भी कांग्रेस ने किया है, जो भी कांग्रेस ने शुरू किया है उसका उद्घाटन करके ये कह देते हैं कि इन्होंने किया है, ये इनकी आदत है, तो मैं इनका जवाब क्यों दूँ? इनका जवाब तो पब्लिक देगी। पब्लिक को समझदारी से वोट देना चाहिए। पब्लिक को आज के दिन में ये पूछना चाहिए कि ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको कौन सॉल्व कर रहा है? ठीक है, धर्म की बात, जाति की बात, सुरक्षा की बातें, ये चीज़ है, ठीक है, इनकी जगह है, लेकिन चुनाव के समय विकास की बात करिए, चुनाव के समय ये सवाल पूछिए। हम कह रहे हैं कि 111 दिन में चन्नी जी ने क्या करके दिखाया, आपके सामने है, तो अब ये 5 साल के लिए जब सरकार चलाएंगे तो क्या करेंगे उसका आपको अनुभव है। अब आपने देखा, आप देखिए देश में क्या हुआ है, देश में रोजगार पैदा हुए हैं, देश में महंगाई घटी है, एक गैस सिलेंडर दे दिया फ्री और सोच लिया बस भाई जिम्मेदारी ख़त्म। किसी को सशक्त करने की बात नहीं है, किसी को अपने पैरों पे खड़े करने की बात नहीं है, किसी छोटे उद्योगपतियों की मदद करने की बात नहीं है, और आके चुनाव के सामने नौटंकी शुरू करते हैं बस। मैं वो बोलते हैं जनता समझदार है, जनता समझदार है, सब समझती है, जनता में बहुत विवेक है, मैं जानती हूँ कि सही। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।